हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले मटर पनीर की सब्जी। तो मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालकर उसे प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसमें पनीर के क्यूब्स डालकर हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई होने तक, जब तक इसका ऊपर एक बादामी कलर की लेयर्स ना आ जाए, शेलो फ्राई करेंगे ओनली। ज़्यादा फ्राई हमें इनको नहीं करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको हम अलटते पलटते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक शेलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, इनका कलर चेंज होने लगा है। बस इसी स्टेज तक हमें इनको फ्राई करना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि ये हलवाई वाली ट्रिक होती है। हलवाई लोग इसी तरीके से मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं। जब भी हम पनीर खाते हैं तो एक अलग ही क्रिस्पनेस इसमें आती है, तो इस वजह से इसको फ्राई किया जाता है। और ये बिल्कुल सब्जी में घुलता नहीं है इस तरीके से इसको फ्राई करने से। अब हम पनीर को क्रिस्प अच्छे से गोल्डन होने तक पकाएंगे। उसके बाद हम लेंगे एक बाउल में हल्का सा गर्म पानी, उसमें हम डाल देंगे पनीर। पनीर डालने से गर्म पानी में क्या होता है कि ये खिंचा सा नहीं होता है। अब हम प्याज को इस तरीके से कट कर लेंगे और उसी कढ़ाई में हम प्याज को डालकर इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब हम लेंगे शिमला मिर्च, उसे भी बारीक बारीक पीसेज में हम कट कर लेंगे। उसके बाद इसको भी हम कढ़ाई में डालकर इसको हम फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 लहसुन की कली, और टमाटर को भी हम इसे बड़े बड़े पीसेज में चॉप्ड करके इसको भी हम कढ़ाई में डालकर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्रेवी बना रहे हैं। हलवाई लोग और रेस्टोरेंट पर जो मटर पनीर की सब्जी बनती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं आज आपको ग्रेवी वाली मटर पनीर की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से जब तक ये इस तरीके से हमारे सभी टमाटर वगैरह सभी चीज़ें अच्छे से पक जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए, उसके बाद हम इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इनको मिक्सर जार में डालकर इसकी ग्रेवी बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पोस्ता दाना और 3 से 4 बड़े टेबलस्पून मूँगफली के दाने। इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से प्रीहीट होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, राई और आधा टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हींग पाउडर, 2 तेज पत्ते और जो भी आप खड़े मसाले आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये सभी खड़े मसाले, दालचीनी, सभी खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो आप इसमें मसाले अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको नमक अभी नहीं ऐड करना है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मसालों को भून लेंगे। उसके बाद हमने जो ग्रेवी बनाकर तैयार की थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, ग्रेवी को डालकर हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। ग्रेवी को आप जब तक पकाएं जब तक ये अच्छे से पूरा ऑयल ना छोड़ दे। अब हम मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमारी ग्रेवी ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है, ऊपर से दिख रहा है ना। इस तरीके से जब तक आपकी ग्रेवी ऑयल ना छोड़ दे तब तक आप ग्रेवी को पकाइए। अब हम पानी निकालकर पनीर के क्यूब्स को इस ग्रेवी में डाल देंगे। तो ये देखिए, पनीर के क्यूब्स को मैंने
ग्रेवी में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटर। तो मटर को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो आप फ्रोजन मटर को भी यूज ले सकते हैं। तो ये अभी सीजन है मटर का, तो मैंने सीजनेबल मटर यूज किए हैं। मटर को मैंने पानी में उबाल लिया था थोड़ा सा नमक डालकर, तो ये अच्छे से पक गए हैं। अगर आप पहले से मटर को नहीं पका रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप इसी में मटर को भी पका सकते हैं। अब मटर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम हाफ ग्लास पानी ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली, ज़्यादा लिक्विड सब्जी बनानी है तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कम ही इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें एक बहुत ही बेस्ट मसाला ऐड करेंगे, किचन किंग मसाला, भोज कंपनी का। ये मैंने किचन किंग मसाला यूज किया। ये मसाला बहुत ही अच्छा है। इस मसाले को हम जब भी सब्जी में मिक्स करते हैं सब्जी का टेस्ट बहुत ही दुगना और लाजवाब हो जाता है। तो ये देखिए, मैं किचन किंग मसाला इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी, तो बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। आप किचन किंग मसाला ज़रूर यूज कीजिए। अब मसाला डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसे उबाल आने देंगे। ये देखिए, हमारी मटर पनीर की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर इसको डेकोरेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं मटर पनीर की सब्जी कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।